आज मेरी पुत्री का 6 वर्ष का पूर्ण होने के उपरांत मैं इस जो वृद्ध आश्रम में हर वर्ष की भांति आज भी मैंने भोजन की व्यवस्था, सबसे पहले तो मैं कोरोना काल को देखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारे देश से, हमारे राज्य से ये बीमारी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए और आम जनजीवन पूर्ण रूप से सुचारू रूप से चालू हो, यही मैं ईश्वर से, परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ। और रही बात बेटी का, आज 6ठा जन्मदिन होने के उपरांत मैं हर वर्ष की भांति हर साल आता रहता हूँ और मैं जो भी मुझसे सेवा होती है वो सेवा करता रहता हूँ। आज भोजन की व्यवस्था थी और मैं एक मीडिया का मेन मेरा उद्देश्य था बुलाने का। आज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से देखता हूँ कि सोशल मीडिया पे लाइव आते हैं, 6-7 तरीके से केक इकट्ठे करते हैं, केक काटते हैं और एक बड़ी सी नाइफ का रूप देते हैं, नाइफ चाकू या तलवार के वे में उसे काटा जाता है और केक काट के आज की युवा पीढ़ी उस केक को अपने चेहरों पर, अपने मस्तिष्क पर, अपने ललाट पे लगा देती है। तो मेरी नज़र में ये पूर्णतः व्यर्थ है क्योंकि हर इंसान को मानव सेवा ज़रूर करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे बुज़ुर्गों की सेवा हो, चाहे बच्चों के एजुकेशन के मामले में। ये जो फिजूल की खर्ची है भाई, केक एक साथ इकट्ठा करके ऐसे काट देना, ये मैं इन चीज़ों के खिलाफ हूँ और इन चीज़ों को ना करते हुए वे बुज़ुर्गों की सेवा करे, मानव सेवा करे, अच्छाई की ओर अग्रसर हो, अच्छे कार्य करे, मेरा बस यही उद्देश्य है। चेतन शर्मा और बेटी का नाम प्रांजल शर्मा। मेरे परम मित्र चेतन जी शर्मा की गुड़िया 6 वर्ष की पूरी हुई है और ये बहुत ही सेवाभावी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। समय समय पर विभिन्न आयोजन, जब से मेरा इनसे परिचय हुआ है तब से ऐसे करते रहते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने पूरे तन मन धन से मेरे वार्ड में बहुत बढ़ चढ़ कर सेवा दी है और आज का ये पुनीत अवसर, इनकी जो गुड़िया है शर्मा, इसका बर्थडे मनाने के लिए यहाँ अपना घर वृद्धाश्रम में आए हैं। और आज के इस आयोजन की जो विशेषता है, आज ये जो समाज को मैसेज देना चाहते हैं कि जैसा कि सोशल मीडिया पर प्रचलन में है, 8-8, 10-10 केक एक ही व्यक्ति के काटे जाते हैं और तलवार से काट कर फिर वो जो केक है उनका दुरुपयोग किया जाता है, किसी के सर पे लगा के, किसी के एक दूसरे पर फेंक कर। तो ये जो दुरुपयोग है, वेस्टेज ऑफ मनी है, इसके एकदम खिलाफ है। आज चेतन जी ने अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया है और विगत 6 वर्षों से ये कार्यक्रम लगातार चला आ रहा है। मैं आज के इस अवसर पर प्रांजल शर्मा को बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। हमारे जो वृद्धाश्रम में 22 मातृशक्ति और बुज़ुर्ग हैं, आज सभी का आशीर्वाद इस गुड़िया ने लिया और हम सभी मिलकर आज के इस अवसर पर प्रांजल शर्मा के सफल जीवन के लिए शुभकामनाएं करेंगे। और आज के इस अवसर मैं भी ये संदेश देना चाहता हूँ कि भविष्य में अपना बच्चों का जन्मदिन इस प्रकार के वृद्धाश्रम में, अपना घर में जाकर यदि मनाएंगे तो हमारा वह जन्मदिवस मनाना सार्थक होगा। राजेंद्र सिंह पंवार, पार्षद, वार्ड क्रमांक 4।